मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं सत्तू को। सत्तू कोई काम नहीं करते और दिन भर घर पे पड़े रहते हैं, इसलिए सत्तू की मम्मी और उनकी बहन सत्तू से घर का सारा काम करवाती हैं। कुछ दिनों के बाद सत्तू के पड़ोस वाले घर में सत्तू के फ्रेंड की शादी हो रही होती है, तो सत्तू अपने मम्मी से कहते हैं, मम्मी आपको शर्म नहीं आती, मेरे उम्र के सारे लड़कों की शादी हो गई, मेरी शादी कब होगी? तो सत्तू की माँ कहती है, तू घर पे बैठा रहता है इसलिए बहुत शर्म आती है। बेटा अगर लड़की वाले पूछेंगे लड़का क्या करता है तो क्या कहूँगी, LLB फेल और घर के काम में तो टोटल फेल। अगले दिन सत्तू चंद्रेश का हस्त मिलाप में जाते हैं, तो वहाँ सत्तू की मुलाकात कथा से होती है और वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ कथा का बॉयफ्रेंड थप्पन आ जाता है और कथा अपने बॉयफ्रेंड थप्पन के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सत्तू के डैड कथा के डैड से मिलने उनके दुकान पर जाते हैं, तो सत्तू के डैड को वहाँ पता चलता है कथा और थप्पन का ब्रेकअप हो गया है। तो सत्तू के डैड सत्तू को कथा और थप्पन की ब्रेकअप वाली बात बताते हैं। यह बात सुनकर सत्तू बहुत खुश होते हैं और सत्तू फिर से चंद्रेश का हस्त मिलाप में जाते हैं ताकि उनकी मुलाकात कथा से हो सके। लेकिन वहाँ जाने के बाद सत्तू को पता चलता है कथा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए कथा आज प्रोग्राम नहीं करने वाली। तो सत्तू कथा से मिलने उनके घर पर जाते हैं। जब सत्तू कथा के पास पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कथा ने अपने हाथ की नसें काट ली हैं। तो सत्तू कथा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ देर के बाद कथा ठीक हो जाती है। अगले दिन जब सत्तू अपने डैड के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी कथा का मैसेज आता है और उस मैसेज में कथा ने लिखा होता है, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। तो सत्तू उस मैसेज को देखकर बहुत खुश होते हैं और वह मैसेज अपने डैड को भी दिखाते हैं। अगले दिन सत्तू कथा से मिलने उनके घर पर जाते हैं, तो कथा के डैड को सत्तू का व्यवहार अच्छा लगता है और वह कथा की शादी सत्तू से करना चाहते हैं। इसलिए अगले दिन कथा के डैड सत्तू के घर पर जाते हैं और वह सत्तू और कथा की शादी की बात करते हैं। तो सत्तू के डैड यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन कथा के डैड कथा से पूछे बिना ही कथा की शादी सत्तू से सेट कर देते हैं। जब यह बात कथा को पता चलती है तो कथा शादी करने से मना करती है, तो कथा के डैड आत्महत्या करने की धमकी देते हैं। तो कथा अपने डैड की बात मान लेती है और कुछ दिनों के बाद सत्तू और कथा की शादी हो जाती है। सत्तू जब रात में सोते हैं तो सत्तू को रात में खर्राटे आते हैं। खर्राटे की वजह से कथा को सोने में प्रॉब्लम होती है, तो कथा सत्तू को दूसरे रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। तो सत्तू काफी दिनों तक अपने डैड के साथ अपने डैड के रूम में सोते हैं। कुछ दिनों के बाद सत्तू के घर पर सत्तू की बुआ आती है और वो कथा से पूछती है, तुम सत्तू को अपने पास क्यों नहीं सोने देती? तो कथा बोलती है, पिछले साल जलसे में मेरे लास्ट परफॉर्मेंस के बाद मेरे बॉयफ्रेंड थप्पा ने मुझे रेप किया था और उस रात से लेकर आज तक किसी भी आदमी के पास सोना तो दूर, उनके इतने पास खड़े रहने में भी मुझे डर लगता है। जब यह बात सत्तू को पता चलता है तो सत्तू थप्पन के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ थप्पन को चप्पलों से मारते हैं। जब कथा को पता चलता है कि सत्तू ने थप्पन को चप्पलों से मारा है तो यह बात सुनकर कथा बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद कथा के पिताजी ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी है, तो कथा पूजा स्टार्ट करने के लिए सत्तू का इंतजार करती है। जब सत्तू आते हैं तो कथा सत्तू से पूछती है, तुम इतने देर तक कहाँ थे? तो सत्तू बोलते हैं, थप्पन के खिलाफ FIR दर्ज करवाने गए थे। तो कथा उस FIR पेपर पर अपना सिग्नेचर करती है और फिर पुलिस वाले थप्पन को अरेस्ट कर लेते हैं।